कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सेंसर टू फैन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन को लेकर इस वीडियो में हम देखेंगे, एक्चुअली हम जानते हैं कि मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो मेडिटेशन से बहुत सारे मीन्स फायदे होते हैं, लाइक मीन्स एंजाइटी अगर है या फिर डिप्रेशन या फिर जो भी स्ट्रेस वगैरह कुछ है उसे रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने से जो भी हम मीन्स वर्क करना चाहते हैं या फिर जो भी मीन्स बिजनेस है उसे उसमें कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए और एक फोकस करने के लिए मेडिटेशन काफी हेल्प करता है। तो ऐसे में हम सोचते हैं, जब भी हम मेडिटेशन की शुरुआत करने के लिए सोचते हैं तो मेडिटेशन करते समय में हमारे पास में कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि एज अ बिगिनर बिगिनिंग टाइम में आपके पास में यू कहिए कि आपके पास में होने चाहिए, तो इसी को लेकर इस वीडियो में हम देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन से आइटम्स हैं जो कि अगर आप मीन्स मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहते हो तो बिगिनिंग टाइम में आपके पास में कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं उस टाइम पे आपके पास में आसन जो भी मीन्स, क्योंकि अगर आप माइंडफुलनेस अगर मेडिटेशन करते हैं तो आप कहीं पर सिटिंग करना चाहेंगे और एक ऐसी सबसे पहले तो आप एक ऐसी जगह देखोगे जहाँ पर आप सिटिंग करके मेडिटेशन करना चाहेंगे, तो उस टाइम पे आपके पास में आसन चाहिए। तो आसन आपके पास में लगेगा जो कि जिसे हम मैट भी कहते हैं, तो मैट लगेगा एक मेडिटेशन के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप का आपको इससे लगेगा। या फिर इससे भी मीन्स और भी आते हैं अच्छे से, तो आप इस टाइप का एक मेडिटेशन मैट आपको लगेगा। तो ये देखिए, तो आसन करने के लिए जिसपे आप मीन्स सिटिंग करके आप बैठोगे, सिटिंग करके आप मेडिटेशन करोगे। सो गाइस, तो नेक्स्ट आइटम जो है वो है तिब्बतियन सिंगिंग बोर्ड जो आप देख सकते हैं। तो ये जो सिंगिंग बोर्ड है वो मेडिटेशन के टाइम में इसका काफ़ी यूज होता है। एक्चुअली यह जो भी मीन्स म्यूजिक थेरेपिस्ट है या फिर योगा थेरेपिस्ट है, अरोमा थेरेपी है या फिर जो भी मीन्स मसाज थेरेपी है, इनमें भी इसका यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका यूज़ इस तरह से किया जाता है। तो जस्ट आपको अपने हैंड्स में इसे ले लेना है और इसके बाद में इसका जो ये वुडन स्टिक है तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो देख सकते हैं तिब्बतियन सिंगिंग बोर्ड है, तो ये सिल्वर में, गोल्ड में, कॉपर में इस तरह से आता है। तो यह इस डिज़ाइन में है और इसी जो है इस तरह से तिब्बतियन, और वुडन स्टिक के साथ में यह जो साउंड करता है लगभग 30 सेकंड में यह साउंड देना शुरू करता है इस तरह से। अभी फिलहाल मैं जस्ट नॉर्मल इसे पकड़ा हूँ, बट मेडिटेशन के वक्त हम इस तरह से पकड़ते हैं और बॉल को इस तरह से हम इसका जो साउंड है वह आता है, जो हमें बहुत से इसके सिंगिंग बॉल के जो बेनिफिट है बहुत से हैं, लाइक स्ट्रेस रिलीव करने में और स्लीप को इम्प्रूव करने में, लाइक दिस मेनी मोर। मेडिटेशन के बिगिनिंग टाइम पे जो भी आप जगह चूज करते हो वह जो जगह है वो काम एनवायरनमेंट होनी चाहिए और वहाँ पर सेंटर्ड मीन्स वो जगह होनी चाहिए, उसका जो एनवायरनमेंट है वह सेंटर्ड रहना चाहिए इसलिए आपको। और हाँ, अगर आप कैंडल मेडिटेशन भी करते हैं तब भी आपके पास में एक काम मीन्स सेंटर्ड कैंडल होनी चाहिए जो आप अभी मेरे हाथ में देख सकते हैं इस तरह की। तो यह जो सी श्योर फ्रेग्रेंस का है जो कि अच्छा एक सेंट देता है, तो इसमें बहुत से मीन्स वेरियस टाइप्स के फ्रेग्रेंस के साथ में भी इसे यह कैंडल आती है जो कि सोया वैक्स के साथ में बनी हुई होती है, जो कि इसका जो फ्लेम है जब हम इस कैंडल को मीन्स जलाते हैं और उसके बाद में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इससे जो फ्लेम होता है उस पर मीन्स हम मेडिटेशन के वक्त में जो कॉन्सेंट्रेशन करना होता है, फोकस इम्प्रूव करने के लिए, वह काफ़ी अच्छा होता है। और साथ में ही इसमें से जो सेंट आती है वह हमारे जो भी एनवायरनमेंट है उसे सेंटेड भी करती है, ऑटोमेटिक ही कैंडल एनवायरनमेंट को काम बना देती है। तो इसकी वजह से आपके पास में एक मीन्स यह भी मीन्स बिगनिंग टाइम में आपके पास में सेंटेड कैंडल भी होनी चाहिए
इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो नेक्स्ट आइटम जो हुआ है ऑयल डिफ्यूज़र। तो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ऑयल डिफ्यूज़र है, ये जो है यह इलेक्ट्रिकल ऑयल डिफ्यूज़र है। तो मेडिटेशन में यह काफ़ी हेल्प मीन्स काफ़ी हेल्प करता है आपके एनवायरनमेंट को मीन्स सेंटर्ड रखने के लिए। इसमें आप इसेंशियल ऑयल के 4-5 ड्रॉप जब डालते हैं तो आपका जो एनवायरनमेंट मीन्स जहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं वह सेंटर्ड हो जाता है, जिससे कि मीन्स एक मीन्स काम एनवायरनमेंट तो होता ही है बट स्ट्रेस रिलीफ करने में भी काफ़ी मीन्स सेंट जो है वह हेल्प करता है। तो इसेंशियल ऑयल्स जो है यहाँ आप देख सकते हैं, तो यह है इसेंशियल ऑयल्स इस तरह से। तो सब अलग अलग फ्रेगरेंस के हैं। तो यहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन के वक्त में जो सेंट यूज़ होता है वही इसमें वही इस बॉक्स में है मैक्सिमम, या लाइक लेवेंडर, जैस्मिन एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आई थिंक ठीक। तो सिर्फ मेडिटेशन के लिए ही नहीं, रेगुलर अगर आप अपने घर में मीन्स अपने होम को रिफ्रेश रखना चाहते हैं और एक स्लीपिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसेंशियल ऑयल और ऑयल डिफ्यूज़र है आपका मीन्स नीडेड है। तो इसके बाद मेरे हाथ में देख सकते हैं लास्ट जो आइटम से वो है रुद्राक्ष माला। ये जो है यह 5 मिनट रुद्राक्ष माला इंडोनेशिया देश से ओरिजिनल है, तो जिसका आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका। और ये जो है ब्राउन कलर में मेडिटेशन में रुद्राक्ष माला के बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। इवन जैसे मेडिटेशन में नहीं, अगर आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें भी रुद्राक्ष माला के जो बेनिफिट्स है बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लास्ट, तो यह जो आइटम्स है इसकी भी हेल्प होती है बिगिनिंग टाइम में जब आप मेडिटेशन मिस करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे जब आप मंत्रा जाप मेडिटेशन करते हैं तो मंत्रा जाप में आप रुद्राक्ष माला को लेकर जो आप जाप करोंगे तो उससे आप उसका जो आप उससे आप मंत्रा जाप अपना शुरू कर सकते हैं लाइक दिस तरह से। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं अगर सपोज अगर मैं मेडिटेशन किस तरह से की जाती हूँ उसका जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस टाइम में भी आप देखोगे मेरे हाथ में। तो यह रुद्राक्ष माला काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है मेडिटेशन के मीन्स स्पिरिचुअल लाइफ में कही है या फिर मेडिटेशन करते समय कही है। तो यह है, तो आप देख सकते हैं। सो गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारे आइटम्स हैं वह आपको मीन्स कहाँ में मिलेंगे। फिलहाल तो अभी आपको मीन्स वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वो अमेजोन की लिंक रहेगी। बट जल्दी ही मैं अपना जो मीन्स बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन बॉक्स उसे मैं वेबसाइट पर अपने लॉन्च कर दूंगा। जैसे ही लॉन्च करूंगा वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट उसकी जो लिंक है वह मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो हो सकता है जब भी आज तो नहीं बट जब भी इन फ्यूचर जब भी आप वीडियो को कभी अगर देख रहे होंगे इस वीडियो आज जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ बट यह अभी लाइव रहेगा तो उस टाइम पर आपको मेरे वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी जहाँ से आप मेडिटेशन का सब्सक्रिप्शन बॉक्स भी बाय कर पाओगे। और हाँ, जब मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ मैं कभी कभी अपने ट्रैवल वीडियोज भी शेयर हो, बिकॉज कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मुझसे जो भी अच्छे अच्छे लोकेशन होते हैं या फिर जो भी प्लेसेस होते हैं उन्हें देखना मुझे पसंद है, देखता भी हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ मैं उन्हें शेयर करूँ। तो हो सकता है कि इस चैनल पर आप मेरे जो प्लेसेस की वीडियो रहेंगे जहाँ पर मैं जाऊँगा या फिर जिसे जिन प्लेसेस को मैं एक्सप्लोर करूँगा या फिर जो भी है इवन आप इस कल्चर के लिए या फिर जो भी है तो उनके उस टाइप की वीडियोज भी आप इस चैनल पर देख पाएंगे। तो अभी फिलहाल तो मैं मीन्स सोच रहा हूँ बट मैं भी हो सकता है कि मैं मीन्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सो बस इसी बात पे एक वीडियो को लाइक कर देना और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा अपने नए किसी वीडियो में। सो वॉचिंग।